साकेतवासी डॉक्टर रामाधार शर्मा जी की पुण्य स्मृति में बोलते हुए भावुक हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य। बोले, मृत्यु तो एक दिन आनी सबको है, बस कर्म धर्म करते जावे, भजन करते जावे। जिसके पास चरित्र है वही सर्वश्रेष्ठ है। जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज। सिलवानी नगर के रघुकुल फार्म हाउस, साईखेड़ा रोड, सिलवानी में शिवरण सिंह रघुवंशी एवं प्रशांत रघुवंशी के द्वारा उनके पूज्य गुरुजी शिवलोकवासी डॉक्टर रामाधार शर्मा जी की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन का शुभारंभ आज हो गया। आचार्य जी की स्मृति में भावुक हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और सभी कथा पंडाल में बैठे धर्म प्रेमी बंधुओं की आंखें नम हो गई। जगत गुरु ने कहा कि श्री आचार्य जी ने हमेशा शास्त्र जीवन जिया, धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह किया, कभी धर्म से नहीं हटे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हम रामाधार उपाध्याय जी को तो नहीं ला सकते, पर वचन देते हैं हमारा राम कृपालु जी पर सदैव आशीर्वाद रहेगा। गुरु जी ने कहा कि गृहस्थ जीवन का बड़े ही धर्म और सरलता पूर्वक आचार्य ने जीवन जिया है। डॉक्टर रामाधार जी आज श्रवणीय है। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में चरित्र महत्वपूर्ण है और चरित्रवान व्यक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान मानता है वही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज श्री ने कहा कि चरित्रवान व्यक्ति ही सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ होता है। जो कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान मानता है और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है वही बड़ा पवित्र व्यक्ति है। आगे स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इस संसार में व्यक्ति अपने स्वार्थ में पड़कर परमात्मा को भूला हुआ है, जबकि जीवन काल का सबसे बड़ा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। उन परमात्मा की प्राप्ति में अपने जीवन को लगाना और पूर्ण मर्यादा के साथ अनुशासन में रहकर देव दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग करना ही सच्ची नैतिकता है। आगे महाराज श्री ने कहा कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म सनातन संस्कृति में हुआ है और इसके बाद ये पुण्य भूमि भारत में हमें जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत हमारी जन्मभूमि है, यही अपने आप में परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। आगे महाराज श्री ने कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि मानव मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव अपने मन में जागृत रखे। मानव सेवा से बड़ा कार्य नहीं है। इस बात को वो ध्यान में रखते हुए मानव सेवा करके प्रभु का चिंतन करता रहे, प्रभु के भजन से परमात्मा की उसे प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल ने कथा श्रवण कर जगत गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के उपरांत आयोजक निवेदक कर्ता वेदाचार्य राम कृपालु उपाध्याय शिवरण सिंह रघुवंशी ने धर्म प्रेमी सज्जनों से प्रतिदिन कथा में सम्मिलित होने की अपील की है।